कुछ काम नहीं दिया साली ने। तो हाँ जी, वेलकम बैक टू द न्यू एंड सैड वीडियो। के जैसा कि आपको पता है यार, थोड़ा सा मसला बना हुआ था जिसको लेकर मैंने एक वीडियो बनानी थी एंड डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में, बट वो आज वफात जी हमारी छोटी बफेलो जो बच्चा था वो जी मतलब बीमार था, बट दुनिया छोड़ चुका है, अब मर गया यार। तो शाम को मतलब मरा है आई थिंक, पता नहीं किस टाइम, बट मैं इसको देकर गया था, दवाई पिला कर गया था शायद 10 से 10:30 बजे। इस टाइम मैं इसको दवाई पिला कर गया था, तो जो भी है यार, ये हर बार अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, हर बार ऐसा होता है। बट इस बार मतलब पिछली बार नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली बार भी इस तरह ही बहुत ही ज़्यादा दिन मतलब महीना महीना लग गया था ऐसे ही, ना कुछ खाए, कभी खा लिए कभी ऐसे लेट रहे जानवर छोटे। तो कुछ कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 हैं जो आई थिंक पिछली दफ़ा गए हैं। तो इस बार जो था मतलब फ़र्स्ट टाइम बैंस हमारी ने दिया था, तो फर्स्ट टाइम इतने मतलब 4 साल पूरी मेहनत की है, तो 4 साल बाद बहुत खुश था मैं। तो ईद के दिन मतलब ईद ही थी तो डबल खुशी मिली थी, तो क्या कर सकते हैं, बट अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। बाकी इंसान क्या कर सकते, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है होता, जो इसमें अल्लाह ताला की शायद कोई मर्ज़ी हो, कोई इंसान पे आई हो ऐसी तकलीफ़ जो जानवर अपने ऊपर ले लेता है। बट ये भी सुना है, कहते हैं कि ऐसा होता है, तो देखें फिर क्या अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो आई थिंक इसके बगैर तो भैंस दूध भी नहीं थी दे रही, तो सुबह मैंने बहुत मुश्किल से नहीं बट आसानी से दूध निकाल लिया इसका। तो बस 2-3 बार ट्राई किया है, तो फिर उसके बाद जी मैंने इसको बांधा है इसकी खुरली के ऊपर, तो वहाँ डाला है थोड़ा सा अंडा वगैरह, तो उससे मैंने आसानी से निकाल लिया दूध। तो बस यार जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने में शुक्र है कि कुछ, बाकी इंशाल्लाह हम कायम रहेंगे। तो अभी ये देखें, आपको शायद नज़र आ रही हो ये पीछे पड़ी हुई है, तो मुझे सुबह भूखे गए थे कि इसको फेंक आना, तो अभी बैठा हुआ हूँ। और सुबह जब मुझे खबर मिली, मतलब सोया था तो अब्बू जान ने बताया, तो एकदम से सारी नींद ही गायब होगी, तो कुछ अलग ही फील आ रहा था कि इतने साल की मेहनत यार, तो दुरुस्त है मतलब बाकी तो ठीक है, अल्लाह ताला का इतना ही फजल करम हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा हम इतने काबिल नहीं है जितना कि हमें अल्लाह ताला ने अता किया है। सो बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत ज़्यादा शुक्र है। अब इसको फेंक के आना है मतलब कहीं दूर, तो फेंक के आने से पहले यार उसको जिस चीज़ में फेंक के आना है वो थोड़ा सा इशू बना हुआ है, मसला बना हुआ है कि किस चीज़ में उठा के दूर लेकर जाना है, तो इसलिए बस दिल नहीं कर रहा। इतनी क्यूट थी कि मतलब, तो इतनी क्यूट थी कि बार बार मैं, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बार बार मैं देख रहा था बार बार ये वो। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है यार, जो भी एवरीथिंग सब अच्छा है, सब गुड है, और सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह वीडियो यार बहुत जल्द आएगी नेक्स्ट, ये वाली तो अब वीडियो कैंसल ही समझो, अब ये नहीं आएगी क्योंकि ये अब चली गई है, तो वो भी भैंस जो है वो भी नाच की किस्म की अब दूध देगी, क्योंकि उसका सन बेब उसका बच्चा चला गया इस दुनिया से, तो इसलिए ये वीडियो कैंसल।
यार बहुत ही ज़्यादा कमाल की होनी थी। बट पिछली वीडियो देख लेना यार, एक मैं दे दूँगा ऊपर, वो भी बनाई थी बट मैंने उसमें अपना खास रोल नहीं था अदा किया। बट जाके देख लेना, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वो जाके लाजमी चेकआउट कर लेना। एंड फर्स्ट कमेंट में उसका मिल जाएगा जी लिंक, वो भी जाके चेक कर लेना। तो बाकी कमाल, बाकी इंशाल्लाह जी ये बहुत जल्द आएगी, ये हवेली वगैरह की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। ये भी कैंसल ही 50% चांस है कि ये भी कैंसिल हो, क्योंकि मेरा बाजू थक गया यार। क्योंकि वो जिससे बात किया ये मिस्त्री वगैरह से, वो कह रहा है कि शाम को मतलब 4 बजे से लेकर और शाम को मैं लगाऊंगा जी इधर आपके, क्योंकि दिन को गर्मी है तो इसलिए शाम 4 बजे से लेकर, मतलब 4 बजे से लेकर आगे शाम तक मैं लगाऊंगा। तो यार पता नहीं क्या रीज़न है, चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आए। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और विल्ला सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ, कुछ काम नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि व्लॉग बने, कोई ऐसा बने, कुछ अच्छा बने, कुछ अलग बने, डिफरेंट बने, तो यही मेरी कोशिश है। और शाम को मैं बहुत ज़्यादा बोर था, कुछ वीडियो बनाई थी मैंने, बस डिलीट कर दी हैं। शाम को मैं तकरीबन 12 बजे दवाई देकर जब वापस गया, 2 घंटे हो चुके थे, तो मैं बहुत यूट्यूब देख रहा था ये वो, तो वीडियो बनाई थी बट मैंने डिलीट कर दी। पता नहीं क्या, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने कहा अभी डिलीट कर दी जाए, मेरा बाजू थक गया यार। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी भैंस ने इतना उस तरह का रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सब्र वाली, बहुत सब्र किया इसने। कि मतलब होता है ना, बाज़ हमारी वो वाली जो भैंस है उसका भी 1 साल गुजर गया था, मतलब जानवर मर गया था, तो उसने भी बहुत ज़्यादा जलील किया था, बट इसने नहीं किया, इसने तो आसानी से दूध दे दिया। तो रोइए, रो तो नहीं रही, हाँ सुबह शायद रोई थी, बात थोड़ा सा किया इसने, इतना हास नहीं किया। अब भी तो पड़ा हुआ है इसने, जब इसको लेकर जाएंगे ये है, तो मैं ज़्यादा शोर नहीं करता, बट ये पड़ा हुआ है जी, तो इसको जब लेकर जाएंगे तो फिर ही ये रिएक्ट करेगी उस तरह का या ना करे, बट पता नहीं यार, तब तो बाद किया। फिलहाल जिसमें फेंक के आना है वो हाथ वाली रेडी जिसको कहते हैं, वो यार लगे हुए हैं मिस्त्री, तो इसलिए वो अभी फारग नहीं है, मतलब अभी फ्री नहीं है। तो जब फ्री होगी जिसको लेकर आएंगे तो फिर ही लेकर जाएंगे। वो काफ़ी दूर फेंकना है वहाँ पर, वो काफ़ी दूर, वहाँ खाई टाइप बनी हुई है तो वहाँ फेंकेंगे, तो वहाँ कुछ जानवर हैं जो खा लेंगे इसको। तो भाई देखो मैं इधर आ रहा हूँ कि ये चारपाई पड़ी हुई है इधर, तो बैठते हैं यार इधर छांव में लेकर जाते हैं इसको, तो बैठते हैं इसके ऊपर, तो मिलते हैं छांव में जाके आपसे। ओए भाई देखो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ओहो सॉरी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, कि ये बिस्तरे वगैरह भी सब कुछ तप चुका है एग्ज़ाम से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो जिधर हम बैठ रहे हैं आके उधर कौन सा एसी लगा हुआ है, शायद टूट गई है, तो कोई नहीं। ये देखें पीछे, नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा अभी। बाय द वे मैं बड़े मज़े से बैठा हुआ था इधर, ये चेक करो, ये चेक करो। तो पिछले दिनों में मैं यहाँ बैठा हुआ था बिना फिगर किए, जब इसकी तरफ मेरी नज़र पड़ी तो बाय द वे कुछ अलग ही था। जब देखा ना इस छत्ते, ये कार्ड थी यार बहुत ज़्यादा ज़ालिम है। जब मेरा पेपर था आई गैस दूसरा पेपर था, तो तब मुझे बाइक पे जा रहा था, मोटरसाइकिल पे, या दोस्त थे साथ स्कूल के क्लास फेलो, उसके घर जा रहे थे, बट यहाँ पर उसने काटा और यहाँ 2 जगह काटा था। अच्छा बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ इतने इतने में जगह में काश्त कर दी जाए फसल जो पीछे हमने फारग कर दी हुई है, मतलब तो यहाँ इसलिए चारा काटा था कि फसल काश्त की जाए यहाँ पर। तो यहाँ हमारी अब भैंसें गुजरती हैं, यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है, वहाँ जाती हैं वो पीछे वो उधर, तो इसलिए यहाँ नहीं तो काश कर देनी थी, बहुत ही
अकी फ़िलहाल जो भी है वक़्त के साथ अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अज़ वजल। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने अपडेट करनी है वो हमने अपने फ्यूचर प्लानिंग जो की है मैंने, बट वो हम बनाएंगे जी पहले हवेली, और उसके बाद जो फ्यूचर प्लानिंग की है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत दिनों बाद पता चल जाएगी। एंड और कुछ और भी कुछ ज़्यादा है, और जो हवेली का मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो नुकसान देती हैं, बट ये भी वैसे भी नुकसान देती हैं, इनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान आपको दिखाऊं, ये देखें जी मेरे पीछे वो जगह है, वो जगह तो वो हमारी भैंसों ने नुकसान किया और हमें वो उसकी भरपाई भी करनी पड़ी। उस मैंने लगाई थी उसके ऊपर जाके जो लगाते हैं यार, दोबारा से मूंजी मुझे लगानी पड़ी इधर, तो धान दोबारा से लगानी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जो जिसमें अल्लाह ताला रखे उसमें खुश रहना चाहिए, तो हमें भी खुश रहना चाहिए उतने में ही, क्योंकि अल्लाह ताला की शायद क्या मर्ज़ी है उसमें और क्या हमारे लिए बेहतरी है। तो इसलिए बाय द वे कहते हैं जो जाए उसके साथ, जो मरे उसके साथ मरा नहीं जाता, और जो जिए उसके साथ जिया नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। ऐसे आज हमारा जानवर गुजर गया, थोड़ा सा वक्ती वक्ती दुख होता है, बाद में हम भूल भूल जाते हैं। इंसान है, ज़ाहिर इंसान है, और इंसान किसी को मतलब ही होता है, इतना खास याद नहीं रखता, बट कुछ चीज़ें हैं जो दिल में घर कर जाती है, जैसे इसने किया, और इससे पहले मैंने कुत्ता रखा था जी। जो मैं चीज़ रखता हूँ ना वो इस दुनिया में बचती नहीं है, सही बात है। मैंने दो या तीन बार उसमें बचती नहीं, या मेरे पास नहीं रहती और या बचती नहीं। और उसके बाद जो एक मैंने रखा था जी बकरा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कलर का था, वो हमारा चोरी हो गया था। यहाँ पर हम घर नहीं थे, मैं स्कूल गया हुआ था, और हमारे हुई थी यार फौत की टाइप, तो जो चीज़ मेरा भाई रखता है वो बच जाती है और उसके पास ही रहती है, और जो मैं रखता हूँ मेरे पास नहीं रहती। तो ये फ़ोन बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है, न जाने कैसे टिका हुआ है, मुझसे अराउंड 6 मंथ उसके बाद ख़त्म फ़ोन नहीं मेरे पास कोई भी टिकता, ज़्यादा नहीं टिकता बड़ा, 6 मंथ 6 माह के बाद मेरा फ़ोन यहाँ टूट जाता है, और गुम तो नहीं हुआ, खैर टूट जाता है और यहाँ ख़राब हो जाता है, मतलब जिस तरह के लो। और ये टिका हुआ, ये मेरे वाला साहब ने रेकमेंड किया था कि यही लो, और यही उन्हें कहा था कि मैंने यही लेकर देना है, दिल मानता है तो लो वरना ना लो। अच्छा वो देखो पीछे आया होगा, वो आपको नज़र आ रहा है, वो देखो लेकर आया बकरियां वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसने बकरियां भी रखी हुई हैं, मतलब मैंने नहीं देखी। बात यह है कि मैं रखता था पहले यार, मुझे जब से मोबाइल की लत लगी और इंटरनेट की, कि मैं YouTube में घुसा रहा है, ऑटोमेटिकली रास्ते खुल ही जाते हैं, और नेक काम की बुरे काम की नहीं। मैं इंटरनेट का कभी गलती इस्तेमाल नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह इतना यकीन है, क्योंकि गलत इस्तेमाल से कोई नहीं। मैं जिस तकरीबन 1 ईयर हो चुका है, 1 ईयर ऑलमोस्ट हो चुका होगा, 1 मंथ रह गया होगा मेरे चैनल को, तो तब से भाई साहब ऐसा चैनल में खुबा हुआ हूँ कि जब भी जाता हूँ वीडियो 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 वीडियो, जिधर भी जाता हूँ वीडियो वीडियो वीडियो। इस बार पेपरों में मुझे थोड़ा सा याद आया वीडियो का, वो भी जब मैंने पिछले दिन में वीडियो नहीं ना पोस्ट की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, बुरा फील हो रहा था कि यार मैं वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहा, मेहनत बहुत ज़्यादा लगा दी है, और थोड़ा सा ऑलमोस्ट रोकड़ा भी लगा दिया है। रोकड़ा आई मीन रोकड़ा क्या है, व्हाट मीन इज़ द रोकड़ा, रोकड़ा आई मीन पैसे, रुपया, जो कि आजकल दुनिया में वही चल रहा है, जो कि दुनिया को वही चला रहा है। तो सही बात पूछो तो असल से सुबह का मुंह भी नहीं धोया और वहाँ बैठा हुआ हूँ आगे उसके सराहने, और याद कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर ऐसे बनाई थी, और यहाँ पर ऐसे। तो काफ़ी यार जो भी है सब अच्छा है, सब अच्छा एक्सपीरियंस है यार, सब चीज़ों के साथ मेरा अच्छा ही रहा है, और पता नहीं आपका कैसा रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। कीप लव कीप स्पोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और कल की बनाई वीडियो देख कर जाना, और मुझे दुआ में याद रखना, दुआ प्रे कर देना, एंड मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब मेक श्योर आपने करके रखा होगा, और बेल आइकन नहीं आल पे की यार। बाय द वे क्या कर रहे हैं, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा अगर आपने नहीं की, तो बाय द वे कर दो सब तक के लिए, मुझे दे इजाज़त, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और ये कहना नहीं था चाहता बट कह देता हूँ, सो बाय बाय।
गाइस अगर खाना है तो आ जाओ, यहाँ से उतारा है भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और देखो भाई तो कमाल ही हो गया, सही बात है भाई। कहते हैं कि सीधे हैंड से खाना चाहिए और मैं खा रहा हूँ। अगर जिसने भी खाना है तो आ जाओ, बिल्कुल ही देसी प्योर और एवरीथिंग जो भी आगू मन भुल गया सी। मैं खा के मिलता थोड़े ना, बाय बाय। और निकल आया, बाद च मिलना।